बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और आजकल जो लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है उसमें कुछ अनलॉक आपको मिला है जिसमें कि आप अपने कुछ कारोबार को भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें अब सरकार ने आपको पाबंदियों से मुक्त करने का प्रयास किया है। मैं जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे ग्राम स्तर पर पंचायतों से जुड़े रहते हैं अधिकारियों तक, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और मेरी जो टीम पूरी मेरे साथ जो काम करती है उन सब का ये योगदान रहता है कि वह उसी तरह से उसी तर्ज पे काम कर सके जिस तर्ज पे जीवन उत्साह न्यूज़ का एथिक्स काम करता है। हमारा ये हमेशा मोटिव रहता है कि जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं को सही तरीके से ग्राउंड पर दिखाते हुए अधिकारियों तक, सरकार तक पहुँचाया जाए। और उन प्रयासों में काफ़ी सफलताएं भी मिलती हैं, फिर भी लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना रहता है कि इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी प्रशासन की नींदें क्यों नहीं खुलती हैं। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे इशू की तरफ जो पंचायतों की लापरवाही का एक और कारनामा आपको दिखाने की तरफ ले जा रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायतों को लेकर हमने लगातार प्रश्न उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। पंचायतों में चाहे मुद्दे हों पैसे को लगाने के, चाहे वो BPL को लेकर हों, चाहे वो मनरेगा को लेकर हों, या किसी भी तरह की चीज़ों को लेकर हों, हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह बना ही रहता है। उसके बावजूद भी ये पंचायतें अपने आप को सुधार नहीं पाती हैं, अपने कार्यों की गुणवत्ता को सुधार नहीं पाती हैं, और फिर प्रश्न उठ जाता है कि मीडिया इनको बार बार क्यों टारगेट करता है। देखिए साहब, मीडिया का तो काम ही टारगेट करना है, क्योंकि अगर अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे तो टारगेट तो बनना ही पड़ेगा। किंतु यदि चापलूसी करेंगे उन लोगों का जो गलत करते हैं, जो तथाकथित ईमानदार लोग हैं, अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो फिर पब्लिक के मुद्दों को कौन पहुंचाएगा। क्योंकि 10% जो लोग हैं समाज से जुड़े हुए वो तथाकथित ईमानदार लोगों में आते हैं और बाकी 90% जनता जो बेईमान आती है। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ उठाती है, वो अपनी बात रखना चाहती है, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए अधिकारियों के पास जाती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है, उनको अपनी व्यथा बताती है। उसके बाद भी उनको मिलता क्या है? केवल और केवल शोषण, केवल और केवल उनको एक ही बात कि आप अपनी आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। मैं आज आपको इस भाषण से आगे ले चलना चाहता हूँ एक ऐसे मुद्दे की तरफ। ये मैं झंडुत्ता ब्लॉक के अंतर्गत खड़ा हूँ यहाँ पर, और आप देख रहे हैं मैं एक खड्ड के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये पूरी खड्ड है, बरसात आती है तो यहाँ पर बहुत पानी आता है और यहाँ पर जो है वो लोग जो इस तरफ और इस तरफ रहते हैं उनका सबका संपर्क टूट जाता है। उस संपर्क को भी मैं आपके बीच में लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा। इस तरफ मेरे बाएं हाथ पे ग्रहण पंचायत है झंडुत्ता अंतर्गत के अंतर्गत, और इधर जो है वो मेरे हाथ में, सीधे हाथ में दसलेड़ा पंचायत है जो भी झंडुत्ता के अंतर्गत ही आती है। इन दोनों पंचायतों के बीच में ये जो ग्रहण पंचायत है इनका जो रास्ता है वो इस दसलेड़ा पंचायत से होते हुए जाता है। और यहाँ पर मैं एक मुद्दा आपके बीच में लेकर आता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये रास्ता यहाँ पर, इस रास्ते पे चलते हुए लोग जो हैं वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पानी भरा रहता है तो यहाँ से आने की बजाय लोग उस तरफ से आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक वीडियो में दिखा रहा हूँ। आप इसमें देख रहे हैं जो युवक हैं वो यहाँ से आ रहे हैं और इधर से आने की बजाय घूमते हुए उधर से घूमते हुए, क्योंकि वहाँ पानी कम है, तो अपने घर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं जो मुद्दा दिखा रहा हूँ, पहला ये दसलेड़ा पंचायत जहाँ पर भारत स्वच्छता अभियान के ऊपर कई करोड़ों रुपये भारत सरकार खर्च कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका झाड़ू लेके आह्वान करते हैं कि भारत को स्वच्छ बनाना है और गंदगी को खुले में नहीं फेंकना है। और आपको हैरानी होगी इस बात को जानकर कि पंचायतों में लाखों रुपए के बजट इस सफाई के लिए आते हैं, इस कूड़े के निराकरण के लिए आते हैं, लेकिन देखिए कितनी लापरवाह पंचायत है कि इस कूड़े को इस रोड पे फेंकती है और ये सारा कूड़ा इस पानी में बहकर हमारे जितने भी सोर्स हैं नीचे सबको खराब करता है। पंचायत का ये लापरवाह रवैया केवल यहीं कूड़े तक सीमित नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस कूड़े को फेंकने के साथ साथ में जो लोगों को समस्या होती है, जो लोग जाते हैं उनको तो है ही है, लेकिन मैं आपको एक और उदाहरण यहाँ पर देता हूँ। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखाएंगे। आप ये देख रहे होंगे खंडर, ये एक बिल्डिंग सी गिरी हुई है। ये बिल्डिंग नहीं गिरी है साहब,
यहाँ पर कम से कम भी सरकार का 1-2 लाख रुपए गिरा है, और ये 1-2 लाख रुपए जानते हैं किसका है? हम सबका मेहनत का कमाई है, जो सरकार टैक्स के रूप में लेकर हमारी सुविधाओं को लेने के लिए भेजती है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, ये खंडर नहीं है, ये एक शमशान घाट के लिए जगह बनाई गई थी। इसके ऊपर अभी किसी व्यक्ति का शव भी नहीं जलाया गया है, और ये देखिए, ये शव जलाने से पहले ढह गया। यहां पर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पंचायतों से, आप पैसे को जब लगाते हैं तो किस हिसाब से लगाते हैं, किस विजन से लगाते हैं? एक व्यक्ति अपना घर बनाता है तो उस घर को बनाने से पहले बहुत हिसाब किताब लगाता है, कहां उसको डंगा देना है, कहां उसको जगह चाहिए, कहां उसके मकान के लिए दिक्कत ना हो, कोई पानी की समस्या ना हो, इतनी सब चीजें एक मकान को बनाने के लिए हम देखते हैं। आप देखिए, आपने खड के किनारे इस बिल्डिंग को बनाया और आपने सरकार का हमारा पैसा बर्बाद कर दिया, जिम्मेवार कौन? और मैं इस बात को दावे से बोल सकता हूँ कि यहाँ जो तकनीकी सहायक होंगे, जो जेई होंगे, जो वीडियोस होंगे, उनके संज्ञान में ये बात आ चुकी होगी, उनके मतलब में तो कागज में सब बना होगा, लेकिन इसकी वजह से आज जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? ये एक पंचायत की बात नहीं मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको मोस्ट ऑफ द पंचायत सबके अंदर इस तरह के इश्यूज दिखा सकता हूं। जो पंचायत बोलती है कि मैं सबसे ज्यादा ईमानदार हूं, मैं उस पंचायत के अंदर भी कोई इस तरह का कार्य दिखा सकता हूं। पर चलिए, एक आध कार्य को तो हम भी मान सकते हैं, कभी गलती हो जाती है, लेकिन इस तरह की लापरवाहियां, जैसे कि कल मैंने आपको एक शमशान घाट का इशू कल बताया था, जहां पर 10 साल से एक शमशान घाट बन रहा है, आज तक उसको पता ही नहीं है कि वो बना क्या है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, जहां पर लाख लाख 2-2 लाख रुपए पंचायतें लगा देती हैं और इस तरह से लापरवाहियां करते हुए और ये पंचायतें कूड़ा फेंकती हैं, इनके ऊपर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर सख्त निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं और क्यों गलत करने वाले लोगों का बचाव किया जा रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर अगर बोलना चाहे तो 24 घंटे मैं नॉनस्टॉप बोल सकता हूं, लेकिन मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क यह पड़ रहा है कि जो अधिकारी इस मुद्दे को देख रहे हैं वो इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं, जो पंचायत इस मुद्दे को देख रही है वो कितनी जागरूक हो रही है। मेरे बीच यहां पर कुछ लोग खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि ये लोग जितने भी यहां पर खड़े हैं, इन लोगों में से एक व्यक्ति को ही मैं बात करना चाहूंगा। ये जो है वो ग्रहण पंचायत के लोग हैं, यहाँ पर कमेड़ा कलां गांव है, उस गांव के लोग हैं जिनका ये रास्ता है, इस रास्ते से इनके बच्चे आते हैं। और क्योंकि पानी है, यहाँ पर एक पुल की समस्या चल रही है, मैं उस मुद्दे को भी आपके बीच में लेकर आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो मुद्दा दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ कि ये पंचायत की जो लापरवाही है इसका जवाबदेह कौन है, इसके पैसे की भरपाई कौन करेगा, यहाँ पर कूड़ा फेंकने के लिए क्यों पंचायत जिम्मेवारी नहीं ले रही है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल पास जाके पूरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से कूड़ा यहाँ रास्ते में फेंका हुआ है और किस तरह से लोग जब यहाँ निकलते तो उनको समस्या होती है। तो मैं यहाँ पर हमारे बीच में एक व्यक्ति खड़े हैं गाँव के, इस खमेड़ा कलां के, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, मैं उनसे समझना चाहूंगा। सब जैसे कि हम इतनी देर से इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि ये कूड़ा भी फेंका हुआ है, चलिए इस मुद्दे को आपकी पंचायत का नहीं है तो हम इसको नहीं मानते हैं अभी, लेकिन ये जो कूड़े की समस्या आपके रास्ते को लेकर है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं अधिकारियों को, अपनी जो सामने वाली पंचायत है उनको क्या समस्या है वो आप रखिए। श्रीमान जी, समस्या तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ ना पुल है ना आने जाने के लिए कोई रास्ता है, हमारे बच्चे जब आते थे यहाँ, आवारा कुत्ते और पशु वगैरह यहाँ घूमते रहते हैं, उनको मारने का खतरा है, कुत्ते काट सकते हैं उन बच्चों को, और यहाँ खड़ से जाने के लिए जब जाते हैं कोई रिश्तेदार आता है, कोई किसी को मतलब रास्ता नहीं मिलता रात को तो। और जब यह जो दसलेड़ा पंचायत है, यह सारा कूड़ा यहाँ फेंकते हैं और पूरा गंदगी डली रहती है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि पंचायत और दसलेड़ा पंचायत और बाकी जो अधिकारी हैं उन मिलकर उनकी हमारी सुनवाई करें और इन कूड़े को यहाँ से हटाया जाए जी। तो जैसे कि लोगों ने अपनी समस्या जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से रखने का प्रयास किया है, मैं तो केवल इतनी ही बात कहूँगा कि पंचायतों को अपनी जिम्मेवारियाँ समझनी पड़ेंगी। इस देश के हित के प्रति जो उनको चुना जाता है, नुमाइंदों को बनाया जाता है, सरकार उनके पास पैसा देती है, 14वें वित्त आयोग का कई लाखों रुपये उनके पास पड़ा हुआ है, सभी उपायुक्त मुख्यमंत्री तक, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी तक सब बोल चुके हैं कि उस पैसे को आप खर्च करिए, सही जगह पर खर्च करिए, लेकिन खर्च करने का नतीजा ये दिखाएंगे। हम मंत्री महोदय आपको दिखाना चाहेंगे, मुख्यमंत्री महोदय मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आपको वो बात बुरी लगेगी, चुभेगी आपको ये बात, पर मैं चाहता हूं कि आप इस प्रदेश के प्रतिनिधि तो हैं, आप इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, आपको ये बात मैं बोलना चाहता हूं कि साहब आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री के रूप में
चुना गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या वो कागजों में चुना गया है या हकीकत में चुना गया है। अगर हकीकत में चुना गया है तो फिर ये क्या है? इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इस तरह से पंचायतें लापरवाही कर रही हैं, आपके BDOs कहाँ हैं, आपके DCs कहाँ हैं, आपके जो प्रधान चुने हुए वो कहाँ हैं, आपके जो सेक्रेटरी हैं वो कहाँ हैं, कोई व्यक्ति जिम्मेवारी नहीं लेने वाला। किस तरह से ये जो गंदगियाँ, इस तरह से जो भ्रष्टाचार के ये कारण आप देख रहे हैं, आखिर कौन करेगा इसका समाधान? बेस्ट परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री अब हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसको ग्राउंड के ऊपर, आधार जहां लोगों की समस्याएं हैं, वहां भी तो प्रूव कीजिए। कुल मिला के जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर इन सारी समस्याओं को उठा के देखा जाए तो हर गांव में समस्या है, हर पंचायत की समस्या है, फिर इन समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा? यह जवाब आपको जरूर देना चाहिए। उपायुक्त बिलासपुर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसको लेकर बड़ा कड़ा संज्ञान लें। ये जो पंचायतें गड़बड़ी कर रही हैं, ये जो कूड़ा फेंक रही हैं, ये पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जानी चाहिए, और उनको जो गलत कर रहे हैं, जिस तरह के लोग हैं, इनको जो सचिव हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए, और उनकी सैलरी से ये रिकवरी करनी चाहिए, उनके जो PF फंड हैं उनसे रिकवरी करनी चाहिए। मैं जैसे अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए व्यक्ति यहाँ कूड़ा फेंकने आ रहे हैं, देखिए ये देखिए कूड़ा का ढेर लेके ये बाल्टी भर के पूरा ये कूड़ा फेंकने आए हैं यहाँ पर। ये हालत है यहाँ पर, इस तरह की हालत यहाँ पर है। पंचायतें आखिर कहाँ हैं? क्यों पंचायतें जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं? ये मौके पे ही देखिए आपके सामने लोग आ रहे हैं यहाँ पर कूड़ा फेंकने, कहीं भी फेंके, चाहे नीचे फेंके, ऊपर फेंके, कहीं भी फेंके। ये पंचायत क्यों जिम्मेवारी नहीं लेती कि कूड़े का कहीं निराकरण करे, ऐसी जगह बनाए? और मैं यहाँ पर देखिए बड़ा स्पष्ट बात बोलना चाहता हूँ, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं भारत स्वच्छता अभियान को लेकर, लेकिन कूड़े का हम निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आप इसी तरह से बने रहिए, न्यूज को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वाकई देश से प्यार करते हैं, अपना धर्म समझते हैं, तो इस न्यूज को आप हर एक व्यक्ति तक भेजिए, ताकि जो लोग अपने आप को प्रतिनिधि बोलते हैं और जो कहते हैं कि हम वोट लेंगे और आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपके कार्य करेंगे, उनको ये पता लगना चाहिए कि ये मुद्दा इकलौता एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।